A very good morning to all our Gringsolians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 3rd, subject mathematics, lesson 12, measurement of weight. Good morning, my dear student. How are you all? Hope you all are doing well at home. Yes? Very good. So, my dear student, now it's time to your study. Are you ready for it? Yes? Very good. So, first of all, take out your book, notebook and pencil. As you know, we have already completed measurement of length. In previous chapter, mein hum already measurement of length kar chuke hain. And today we will start measurement of weight. So beta, जैसे कि आपने previous chapter में measurement of length किया, means जहां हमें किसी चीज की लंबाई को measure करना होता है, length को measure करना होता है, वहां हम use करते थे centimeter, meter and kilometer, pencil, book, छोटी चीजों को measure करने के लिए हम centimeter का use करते हैं, and like प्लेग्राउंड, जब हमें किसी प्लेग्राउंड की लेंथ का पता करना होता है, किसी पार्क की लेंथ का पता करना होता है, हम यूज करते थे मीटर. एंड बेटा, जब किसी डिस्टेंस यानी कि किसी दूरी के बारे में बात करनी होती है, तो उसके लिए हम किलोमीटर का यूज करते थे. आपको याद है ना? यस, गुड. बट बेटा, ये रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको बताया. आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट, मींस वजन. वेट क्या होता है? वजन. आपने देखा है ना, मैम जब हाइट लिखती हैं तो वो किससे मेजर करती हैं? मेजरिंग टेप से करते थे ना. यस, तो बेटा जब आपका हाइट अगर मेजर करनी है तो मेजरिंग टेप का यूज करते थे. और आप जल्दी से बताओ, जब मैम आपका वेट लेते थे तो कैसे मेजर करते थे? यस, याद है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी आपका वेट मेजर करते हैं. यस, क्या यूज करते हैं? यस. सो बेटा, आज हम मेजरिंग ऑफ वेट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझिए. और आपको मालूम है इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? पता है आपको? यस बेटा, जब भी हम कोई चीज बाय करते हैं, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये किस चीज से मेजर होते हैं? यस, देखिए, बैलेंस जो होता है, आपने देखा है बीम बैलेंस, तराजू, तो यस, देखा है ना? गुड बेटे, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी होती है. हाँ, आप देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं. जैसे कि आप जानते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? वेट का, किलोग्राम में. 1 किलोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो बेटा, आपको ये देखिए, ग्राम्स कैसे लिखते हैं? जी से हम डिनोट करते हैं. Used for lighter object. जब हम छोटी चीजों को का वेट करते हैं तो उसके लिए हम ग्राम का यूज करते हैं, लाइक पेंसिल, बुक, यानी छोटी चीजों का वेट करने के लिए, हम वजन तौलने के लिए ग्राम का यूज करते हैं. ओके, जैसे आप जो चिप्स, जैसे देखिए, चिप्स का पैकेट, बिस्किट्स, आप जो ये पैक्ड आइटम लेते हैं उसमें देखिए इंग्रीडियंट्स लिखे होते हैं, जो होते हैं ना, यस, बैक साइड में. सो बेटा, उसका आपको इंग्रेडिएंट्स के वेट लिखे हुए होते हैं कि मिलीग्राम, ग्राम में है या मिलीग्राम में है, तो वो पीछे आपको डिटेल दी हुई होती है ना. और बेटा, जब हम किसी बड़ी चीज की बात करते हैं, यानी ज्यादा वजन की बात करते हैं, तो उसके लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं और इसको डिनोट कर केजी में. सो दिस इज यूज्ड फॉर हेवियर ऑब्जेक्ट. ये किस में यूज होता है? जब भारी चीजों का हम वजन करते हैं उसके लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं. जैसे राइस बैग्स, जो बैग होता है राइस का, आप देखो उस पे लिखा होता है ना 5 kg, 10 kg, 2 kg, तो ये केजी क्या होता है? किलोग्राम. वेजिटेबल्स आप देखते हैं ना, मम्मा जब आपकी वेजिटेबल परचेस करती है, वेजिटेबल और फ्रूट्स, तो वो आपने देखा है ना, वेजिटेबल सेलर्स उनके पास में होता है, उसी से वो वेट करते हैं. यस, वेटिंग बैलेंस होता है, उससे भी करते हैं. सो बेटा, आपको ये क्लियर हो गया? यस. सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज
1. So my dear student, first of all open page number 108, Flimsy Lamps. So आप carefully से सुनेंगे and answer करेंगे, okay? So the first point is the standard unit of measuring weight. Weight को हम किसमें measure करते हैं? Yes, किलोग्राम. So first आप क्या लिखेंगे? किलोग्राम. Second point, weight of gold. Gold को जब measure करना होता है then we used short form of gram. Gram को हम short form, अभी आपको बताया था किसमें लिखते हैं हम? G. Very good. And बेटा light weight object को हम use करते हैं तो किसमें denote करते हैं उसको? Gram में. Very good. और heavy object को we used in kilogram. So बेटा like this complete exercise 1. And now बेटा conversion of unit. So my dear student, here is conversion of units. यहाँ हम unit convert करेंगे kilogram को gram में and kilogram gram को gram में. So देखिए first example, here is 5 kg, okay, and 5 kg now we convert into gram. So my dear student, as you know 1 kilogram equals to 1000 gram, okay. So 5 kilogram equals to 5 into 1000, so the answer is 5000 gram. Is it clear? 5 kg into gram, देखिए हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. सो हियर इज 4 किलोग्राम एंड 20 ग्राम into ग्राम. सो सेम एज 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. दिस इज 4. सो 4 किलोग्राम इक्वल्स टू 4 into 1000 प्लस बेटा 1000 ग्राम प्लस 20 ग्राम. ग्राम मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन ग्राम. ये तो पहले से ही ग्राम में है. यस, नाउ वी कन्वर्ट. सो 4 into 1000 इक्वल्स टू 4000. ओके, 4000 ग्राम प्लस 20 ग्राम. सो नाउ द आंसर इज 4020 ग्राम. क्लियर हो गया? सो बेटा आपको ये ध्यान रखना है व्हेन वी कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर. देखिए ये बिगर नंबर होता है केजी. सो व्हेन वी कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट देन वी मल्टीप्लाइड बाय 1000. एंड माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर, जब हम स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करते हैं देन वी डिवाइड बाय 1000. सो देखिए वन मोर एग्जांपल हियर. हियर इज 4325 ग्राम into किलोग्राम. Now we convert smaller unit to yes bigger number. Okay, so as you know 1 kilogram equals to 1000 ग्राम. So beta now 4325 ग्राम equals to 4325 divided by 1000. So the answer is 4 kilogram and 325 gram. देखिए बेटा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे और आपको डिवाइड करना तो आता ही है. देखिए यहां मैं आपको साइड में समझाती हूँ. 4325 डिवाइडेड बाय 1000. ओके, सो 1000 से डिवाइड करेंगे. सो 1000 से 4 टाइम इट इज 4000. एंड देखिए 325 ये रिमाइंडर है. सो जो रिमाइंडर है दैट इज ग्राम. सो आंसर इज 4. सो द आंसर इज 4 किलोग्राम एंड 325 ग्राम. सो बेटा आप ये डिवाइड और मल्टीप्लाई आप रफ में कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, सेम एज डू एक्सरसाइज 2 इन बुक. In exercise 3, it is addition and subtraction. So the first point is, बेटे यहाँ हम addition करेंगे. Simply addition करना है, but जैसे कि आप जानते हैं, इसे हमें separate columns में लिखना है. Look at here, kilograms and grams. देखिए column में लिखा है, now we add is 0, 8 plus 7 is 15, carry 1 here, 4 plus 1, 5, 5 plus 2 is 7.
and 5 plus 3 is 8. So the answer is 8 kilogram, 750 kilogram and gram. But आपने देखा यहाँ हमें क्या करना है? Subtract करना है. Okay. So the number is 9 kilogram, 434 gram. Subtract 3 kilogram and 75 gram. Now we subtract. So 4 minus 5 not possible. So we take borrow 2. And this 4 become 14. 14 minus it is 9. 2 minus 7 not possible. So we take borrow. So 4 become 3. And this 2 become 12. Now 12 minus 7 is 5. And now 3 minus 0 is 3. Okay. And beta 9 minus 3 is 6. So the answer is 6 kilogram and 359 gram. The same as do exercise 3 in your book. Exercise 4, that is problem sums. Sohan got. Sohan ne kuch vegetables purchase ki. Dekhiye. Sohan got potatoes 1 kg 500 gram and tomatoes 2 kg 250 gram. Onions 2 kg. So beta, the question is, हमें वेट फाइंड आउट करना है कि टोटल वेजिटेबल का वेट कितना है. ओके, ये फाइंड आउट करना है. सो हम प्लस करेंगे. सो देखिए, लुक एट हियर. यहाँ बेटा लास्ट में देखिए 2 केजी था, बट ग्राम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 00 लिखा है. ओके, सो नाउ 005, सो वी राइट हियर 5 एंड 5 प्लस 2 इज 7. नाउ 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 इज 5. So total weight of vegetable is 5 kilogram and 750 gram. Is it clear? So beta, aap problem sums aap notebook mein karenge. Hanna bought a bag of rice of 6 kg 500 kilogram rice for a month. Okay, and family consume rice 4 kg 440 gram. फैमिली ने राइस कंज्यूम किया 4 केजी 440 ग्राम. सो माय डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज हाउ मच राइस इज लेफ्ट. ओके, सो हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है. सो लुक एट हियर, हियर इज किलोग्राम एंड ग्राम कॉलम्स एंड नाउ वी सबट्रैक्ट. सो 0 माइनस 0 इज 0, 5 बिकम 4 एंड नाउ 10 माइनस 4 is 6 and this 4 minus 4 is 0. Okay, and 6 minus 4 is 2. So the answer is 2 kg 60 gram rice is left. Okay, फिर मिलेंगे हम next video में. तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, take care, bye. My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class. And now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your work in your mathematics book and notebook as per given instructions in video class. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.